हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोनू सिंह कार टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों, ये गाड़ी है शेवरलेट क्रूज़। सो इस गाड़ी की आज हम सर्विस करने वाले हैं। सो जो गाड़ी है 93,000 किलोमीटर चल चुकी है, 93,000 किलोमीटर। सो आज हम इसकी सर्विस करने वाले हैं। सो सबसे पहले इसका वो जगह, वो लोकेशन इसकी हुड की है। हुड को सबसे पहले ओपन करना है। सो वहाँ से अब करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ये हो चुका है इसका हुड ओपन। सो अब इसमें जो हमें सर्विस करेंगे, सो इस जगह इसका ऑयल फिल्टर है, उस जगह इसका कूलेंट बोतल, ब्रेक ऑयल, ये सब ब्रेक ऑयल चेक करेंगे प्रॉपर है नहीं है। सो उसके बाद उसका एयर फिल्टर पहले निकलेगा, फिर इस जगह इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर उस जगह है। सो करते हैं जल्दी। सो ये कवर हटाना पड़ता है। सो उससे पहले इसका एयर फिल्टर बाहर ही आएगा, जो ऑयल फिल्टर है। इसका कवर, सो अभी इसका इजीली ऑयल फिल्टर जो है बाहर आ जाएगा। बाकी उससे पहले इसका एक टर्मिनल की वायर डालो। तो दोस्तों, इसका जो कवर है, सिलेंडर हेड कवर, ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है, सो ढकने के लिए, सो इसे रिमूव कर दिया। उस जगह हमारा ऑयल फिल्टर था, और अब रिप्लेस करेंगे, एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे। सो ऑयल फिल्टर का खोल रखा हमने, बोल्ट वगैरह। सो ऐसे करके बाहर निकाल देना है। सो ये इसका एयर फिल्टर है, कुछ ज़्यादा ही पूरा अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई चौक है। सो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट सब करते हैं चेंज धीरे धीरे। सो ये गाड़ी है शेवरलेट क्रूज डीजल 2.0। दोस्तों, ये आ चुके हैं इसके, ये जो नीचे ये जो चैम्बर होता है, ये ड्रेन प्लग होता है। सो इसे रिमूव करके हम इजीली इसका जितना भी ऑयल कंटेन चैम्बर में, सब में जितना भी ऑयल है वो सब निकालेंगे। सो अभी ये रिमूव हो रहा है। सो ये इसका ड्रेन प्लग है, इसके हेल्प से हम इजीली इसका जो ऑयल सम के अंदर या ऑयल चैम्बर के अंदर जितना भी ऑयल होता है सब रिमूव कर लेते हैं। सो होता है धीरे धीरे। उसके बाद इसमें फिर हम इसका ड्रेन प्लग वापिस साइड कर देंगे। सो गाइस, इसका जल अभी निकल रहा है। सो इतना हो चुका है इसका पूरा ऑयल सम है, अब जल्दी निकले। फिर इसका हम जो ड्रेन प्लग है, सो इसे इजीली हम टाइट कर देंगे। ये 7 mm की सॉकेट की हेल्प से इजीली रिमूव हो जाता है। सो दोस्तों, इसका ये जो ड्रेन प्लग है ये प्रॉपर टाइट कर दिया है। टाइट करता है। तो गाइस, का ये ऑयल फिल्टर लगा दिया है जो इस जगह लगा हुआ है। सो आप जल्दी से इजीली टाइट कर देते हैं। सो उसके बाद इसका ऑयल फिल्टर चेंज कर देंगे। सो आ चुका है दूसरा भी, हो रहा उसके नीचे पुराना वाला है। ये रहा इसका पुराना, और ये रहा इसका न्यू वाला। सो पुराना एकदम ठंडा हो चुका है। सो करते हैं जल्दी टाइट, उसके बाद रिप्लेस करके इसमें इंजन ऑयल फिल करते हैं। ये फिलिंग गेज है जिससे हम हेल्प से चेक करते हैं कितना अवेलेबल है। सो फ्रेंड, इसका ये एयर फिल्टर लगा दिया। बाकी अब इसे कवर को टाइट करके जितने भी बोल्ट है सब टाइट करते हैं जल्दी। सो उसका ऑयल फिल्टर उस जगह कंप्लीट हो गया है। सो अब ये टाइट करेंगे, फिर इसमें ड्रेन प्लग को टाइट कर देंगे, फिर ऑयल फिल करेंगे, बाकी फिर इसका कूलेंट चेंज करेंगे। सो करते हैं जल्दी, दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं इसमें ऑयल फिल, इंजन ऑयल। सो फिलिंग कैप ओपन कर लिया है। सो अब इसमें करते हैं इसका इंजन ऑयल को फिल।
गाइस करते हैं इसे फिल्म, फिर दिखाते हैं। सो गाइस ये जो इंजन ऑयल इसका फिल हो रहा है, सो इसमें पार्ट दिखा देते, कुछ कुछ बता दे क्या क्या है इसकी। ये थ्रोटल बॉडी, इनलेट मैनिफोल्ड, ये इसके डीजल इंजेक्टर, फोर सिलेंडर की गाड़ी है, सो इसमें फोर लगे हुए हैं। और इस जगह इसका ये वैक्यूम पंप है, ये इसका आगे स्टार्टर, हाई प्रेशर पंप फ्यूल का, और ये इसका पावर स्टीयरिंग पंप है। सो उस जगह इसका एयर फिल्टर था, उस साइड में हमारा ऑयल फिल्टर था, जो दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। सो इंजन ऑयल था, ये भी जल गया है। सो अब इसकी गेज दिखाते हैं। सो दोस्तों इसकी गेज निकालते हैं। सो अब दिखाते हैं इसमें, ये मैक्सिमम तक आ रहा है, सो ठीक है। सो इसका मैक्सिमम तक ही होना चाहिए, सो उससे कम नहीं होना चाहिए। सो जो ये गाड़ी है शेवलेट क्रूज, इसमें टोटल 6 लीटर इंजन ऑयल आता है। सो हमने इसमें पूरा कर दिया है। सो गाइस ये हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। सो इसमें कूलेंट वगैरह सब, बैटरी पानी वगैरह जो था सब कंप्लीट कर दिया है। ये थी शेवरलेट क्रूज। बैटरी का पानी प्रॉपर कर दिया है लेवल में, ब्रेक ऑयल डल गया, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब हो चुका है कंप्लीट।